जिंदाबाद। जिंदाबाद। मानो जिंदाबाद। 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 ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक फोर्स जिससे पूरे हिंदुस्तान परेशान है, जो लोग सिर्फ जात के नाम पर और दंगा कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे निपटने के लिए हर एक जो इंसान है जो पब्लिक के बारे में सोचता है, लोगों के बीच में रह के लोगों के बारे में सोचता है, उसको जुड़ना बहुत ज़रूरी है सब मिलजुल करके, ताकि ये जो फिरका परस्त लोग हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको वापस ये लोग जहाँ से आए थे वहाँ भेज करके दोबारा फिर से पूरे हिंदुस्तान में खुशबू और मोहब्बत फैलाएँ। अल्लाह करे ऐसा हो हर जगह जहाँ जहाँ लोगों के बीच डिफरेंसेस है, अल्लाह पाक उसको कम कर दे और लोग तरक्की के बारे में सोचे, भाईचारगी के बारे में सोचे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपना सियासी रोटी सेकने के चक्कर में दूसरे को परेशान और बर्बाद करें। बाकी काम करने की हम लोग काम करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह ताला बेहतर चाहेंगे वो जरूर होगा। एक तरफ 2024 चुनाव की तैयारी में तृणमूल कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के वार्ड नंबर 43 के हरदिल अजीज इरफान अली ताज ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ये अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया और इरफान अली ताज और काउंसिलर आयशा कनीज ने सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हाथों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता भी उपस्थित थे। इरफान अली ताज के टीएमसी में ज्वाइन होने के साथ ही वार्ड में खुशी का माहौल देखा गया, जहां लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। इस दौरान खूब आतिशबाजी भी की गई, चारों तरफ से पटाखे फोड़कर खुशियां मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह बहुत ही खुशी का मौका है और उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए आवाज उठाती है, बेसिक जरूरतों को पूरा करती है, नफरती ताकतों से लड़ती है और बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी लोगों के हक के लिए लड़ाई करती हैं। वहीं विधायक विवेक गुप्ता ने कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच रहता है और तमाम मुद्दों पर हम आवाज उठाते हैं। वहीं इरफान अली ताज ने कहा कि हम पहले भी टीएमसी थे और आज भी टीएमसी हैं। टीएमसी हमारे दिल में बसने वाली पार्टी है। अब वार्ड में विकास का काम और तेजी से होगा। हम तृणमूल कर्मियों का वचन है कि हम लोकसभा चुनाव में नफरती ताकतों से लड़ाई करेंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोगों ने जिस दिन से इलेक्शन जीता था, हम लोगों ने एक ही वादा किया था कि हम लोग काम करने के लिए आए। आज हम लोगों ने जिस तरीके का काम वार्ड में किया है, लोग जा करके हमारे एमपी और एमएलए को कहती थी, बोलती थी कि जल्द से जल्द हम लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए। आज वो दिन आ गया कि आज हमारे एमपी और हमारे एमएलए साहब, साथ में जितने भी हमारा आसपास के वार्ड जितने भी काउंसिलर्स हैं और हमारे एरिया के जितने बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, महिलाएँ सब शामिल होकर के आज हम लोगों ने सब मिल करके पूरे वार्ड 43 ने आज तृणमूल को का झंडा पकड़ा है। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको जिस तरह से टीएमसी में शामिल हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं कितनी खुशी हम लोगों को हो रही है। हमारे जितने भाई हैं, बंधु हैं, सब हमारे साथ में हैं। क्या ताकत और मिलेगी जिस तरह से टीएमसी में आप शामिल हुए हैं, और ताकत मिलेगी आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी काम करने हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। हम जब से इलेक्शन जीतने के बाद से जितना भी काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो होना ज़रूरी था, हम लोग सब करते हुए आ रहे हैं। एक कम्युनिटी हॉल का भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट किए थे और आप लोगों के सामने आज हमारे एमपी साहब ने वादा भी किया, उसका जो भी फंड लगेगा वो अपने एमपी फंड से देंगे, तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की कमी थी वो इस वार्ड में कब पूरा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जीते थे, क्या उम्मीद थी कि मौजूदा सरकार जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगी, जो हालात देखे जा रहे थे? देखिए, हम लोग काम करने के लिए आए थे और काम के बिना पे हम लोगों को लोगों ने जिताया था और आज काम के बिना पे हमारे जो बड़े हैं, हमारे एम पी आर एमएलए साहब, वो लोग हम लोग सैनिक तो हम लोग बहुत पहले से ही थे। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम बोलते ना कि फील्ड से बाहर थे, वापस फील्ड में आ गए हैं। इंशाल्लाह मिलजुल करके 2024 में सब मिलजुल करके इस देश में कुछ लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनसे हम लोग लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम लोग मोहब्बत बांटेंगे। लेकिन आप जो आप शामिल हो गए टीएमसी में, तो जो मुखालफी है उनके लिए क्या कहिएगा? शायद वो आपके साथ साना बसाना खड़े होते देखें। अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे, उनके लिए क्या कहिएगा? उनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हो सकता है उनके मुखालफत करने की वजह से हम लोग को हिम्मत मिलता था, हम लोग और बढ़ चढ़ के काम करते थे, इंशाल्लाह आगे भी और करते रहेंगे। आपके पीछे तमाम नौजवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, नौजवान के बुजुर्ग भी हम लोग के सामने देखें। मंसूर भाई हैं, अच्छा, जो हम लोग के सेंट्रल कलकत्ता के सबसे पुराने तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, आज भी माशाल्लाह हम लोगों के साथ में हैं। एहसान भाई हैं और ये बहुत सारे हमारे भाई लोग यहाँ मौजूद हैं। दो साल हो गया है काउंसलर का हुए, दो साल में आप लोगों ने क्या क्या काम किया और तीन साल में क्या क्या करेंगे? जो वादा किया था ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट है,
जो कम्युनिटी हॉल का जो बचा हुआ था उसके साथ में जो हम लोग का एक हेल्थ सेंटर था वो इंशाल्लाह सुरिद्दा वादा करके गए हैं जल्द से जल्द वो काम भी हो जाएगा। अताश साहब, आप लोग निर्दल से जीत के टीएमसी में आज ऑफिशियली शामिल हो गए, क्या आप लोग चाहेंगे कि और भी जो लोग निर्दल जो काउंसलर है उनको भी शामिल कर लिया जाए? एकदम करना चाहिए क्योंकि देखिए पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो एक फोर्स जिससे पूरे हिंदुस्तान परेशान है, जो लोग सिर्फ जात के नाम पर और दंगा कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे निपटने के लिए हर एक जो इंसान है जो पब्लिक के बारे में सोचता है, लोगों के बीच में रह के लोगों के बारे में सोचता है, उसको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया जोड़ बनाया गया है सब मिलजुल करके, ताकि ये जो फ़िरका परस्त लोग हैं, ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनको वापस ये लोग जहाँ से आए थे वहाँ भेज करके दोबारा फिर से पूरे हिंदुस्तान में खुशबू और मोहब्बत फैलाना। वार्ड 43 एक बड़ा वार्ड है, यहाँ पे उर्दू वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। WBCS को लेकर के उर्दू और हिंदी का और संथाली का जो मामला है, क्या इस मामले को लेकर के आप सुदीप बिंदोपाध्याय जी से बात करेंगे? ज़रूर करेंगे। ऐसे हम लोग अभी आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया है वार्ड 43 में, ऐसा कि उमन बहुत सारे वार्ड में होता बट हम लोग के यहाँ पर नहीं था, तो हम लोगों ने अभी इंग्लिश और बंगाली का स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। ऑलरेडी हम लोग 21 दिसंबर को जिस दिन हम लोगों का बोलते ना सेकेंड बर्थडे था जीतने का, उसने उस दिन हम लोगों ने अनाउंस किया था, हम लोग के पास में बच्चों का डिटेल्स आ रहा है, बहुत जल्दी हम लोग वो क्लास चालू करेंगे इंग्लिश और बंगाली, और फिर धीरे धीरे कर करके हर एक साइंस में स्ट्रीम में भी जाएंगे, हम लोग कॉमर्स में भी जाएंगे, और जब एक वक्त आएगा जब हम लोग इंशाल्लाह अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी भी करवाएंगे। उर्दू और हिंदी वाले डिमांड्स कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जाए, सीएम ममता बनर्जी इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें, क्या इस पर लेकर आप लोग कोई एक्शन लेंगे? देखिए हम लोग अपने बड़े से बात कर सकते हैं और उसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग ज़रूर बात देंगे, हम लोग ज़रूर सुझाव देंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की मंशा क्या है, मगर फैसला तो वो लोग खालिश था वो मिट गया, क्या कहेंगे? नहीं खालिश कुछ नहीं था, देखिए इलेक्शन है, एक कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, हम लोग अपने वार्ड की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, सबसे ज़रूरी जो है अगर हर एक वार्ड का काउंसलर अपने वार्ड की तरक्की के बारे में सोच ले तो उम्मीद है कि वहाँ किसी के दिल में किसी से खलिश नहीं होगा, बल्कि हर जगह डेवलपमेंट का काम दिखेगा। वार्ड अल्लाह के ऐसा हो, हर जगह जहाँ जहाँ लोगों के बीच में डिफरेंसेस है अल्लाह पाक उसको कम कर दे और लोग तरक्की के बारे में सोचे, भाईचारगी के बारे में सोचे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपना सियासी रोटी सेकने के चक्कर में एक दूसरे को परेशान और बर्बाद कर। साहब ऐसा करिश आज पहली बार बतौर काउंसलर टीएमसी की आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं जी, तो इसको लेकर अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? यही कि हम लोग कल भी काम कर रहे थे, अब और हो सकता है कि थोड़ा सा और हम लोग काम करने में हम लोग को आसानी हो, क्योंकि कुछ लोग थे जिनको तकलीफ थी, उम्मीद है कि उनकी तकलीफ आज खत्म हो गई। बट आज जो ज़कीरा स्ट्रीट का जो क्राउड था, मैंने ऐसा क्राउड आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज जा करके दीदी हमारे सीएम को बताएंगे वो कि आज ज़कीरा स्ट्रीट में किस तरीके का क्राउड था। ये देखिए ये दिल वाला क्राउड था, लोग खुद से आए थे यहाँ पे आकर के हम लोगों के साथ में, सबने पार्टी ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग के वार्ड का यही बल्कि अच्छापन है कि हम लोग सब मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ में, हमारे नौजवान हमारे साथ में हैं, आपने देखा स्टेज पर हमारी एक छोटी बहन सना वो आकर के बातचीत की, तो हम लोग का ये माहौल है हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ को पकड़ करके एक दूसरे को आगे लेके जाएं। वार्ड के तमाम सियासी सफर सिर्फ काउंसलर तक रहेगा या एमएलए या एमपी में भी लगाया? देखिए काम करने के लिए हम लोग काम करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह ताला बेहतर चाहेंगे वो ज़रूर होगा। बहुत खुशी का बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे जो है काम है, काम दिखता है, और प्लस बड़ों का साथ है, इसीलिए आज यहाँ हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ की महिलाओं का बहुत ज़्यादा तवक्को है आपसे, किस तरह से यहाँ पे और ज़्यादा काम करेंगी? 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल क्या की? बहुत प्लानिंग चल रहा है और बहुत कुछ सोचा है, और लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए एडुकेशनल, ये सब बहुत सारे हम लोग के हैं तादाद में कि कुछ करना है लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए। अब आगे देखिए, अल्लाह हमारे ऊपर वाला है, साथ में इंशाल्लाह ज़रूर। एक साथ एक मंच पर देखा गया कि एक्स काउंसलर के प्रेसिडेंट जो रहे परवेश साहब और आज के मौजूदा काउंसलर, आप किस तरह से क्या मैं, 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 जो फ्यूचर है उसको लेकर चलेंगे?
चल पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। मोहब्बत से हर कुछ जीता जा सकता है और प्यार से हम लोग प्यार बांटते आए हैं और प्यार देते रहेंगे इंशाल्लाह। 3 साल में और क्या टारगेट करेंगे? 2 साल मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। कितनी खुशी और मुसरत महसूस हो रही है ये बताएं। बहुत तरह से टीएमसी में शामिल, बहुत बहुत खुशी, बहुत बड़ी बात है। 2024 का जो स्टार्टिंग, इट्स न्यू बिगनिंग फॉर माय लाइफ एंड एवरीथिंग, माय हस्बैंड एंड माय एक है, दोनों एक है, तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है।